हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। साल 2019 में चार ऐसे घोटाले हुए जिसकी वजह से जनता के भरोसे पर गहरी चोट लगी, जहां पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी बैंक के घोटाले ने कई लोगों की जान ले ली, तो वहीं जेट एयरवेज घोटाले ने कई लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। चलिए आपको भी बताते हैं साल 2019 के घोटालों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पीएमसी घोटाला। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पीएमसी बैंक के घोटाले ने देश के बैंकिंग सेक्टर पर भरोसे को चोट पहुंचाई। बैंक के कामकाज में गड़बड़ी और रियल एस्टेट कंपनी एचडीआईएल को दिए गए कर्ज के बारे में सही जानकारी नहीं देने पर आरबीआई ने बैंक के कामकाज पर रोक लगा दी। इसे बैंक के हजारों ग्राहकों को अपने पैसों के लिए सड़क पर आकर प्रदर्शन करना पड़ा। आईएलएनएफसी घोटाला। आईएलएनएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज में 90,000 करोड़ के घोटाले ने वित्तीय बाजार को हिला कर रख दिया। कंपनी के शीर्ष प्रबंधन ने कई लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। डीएचएफएल घोटाला। इस साल वित्तीय अनियमितता के बड़े मामले में निजी कंपनी डीएचएफएल का नाम भी सामने आया। कंपनी पर 31,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगा। इसके बाद डीएचएफएल के शेयर नीचे आ गए। कंपनी दिवालिया होने की तरफ बढ़ रही है। जेट एयरवेज घोटाला। 17 अप्रैल को जेट एयरवेज के विमान ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए कंपनी की सेवाएं बंद हो गई। शुरू में लगा कि उड़ान सेवा जल्द ही फिर से शुरू हो जाएगी, पर कंपनी के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल से प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ के बाद इसमें भी वित्तीय अनियमितताओं का मामला साफ हो गया। तो ये थे साल 2019 के बड़े घोटाले जिन्होंने लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया और कई लोगों की जान ले ली। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।